हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको ईमेल वेरिफिकेशन का तरीका सिखाऊंगा कि किस तरह आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर ईमेल वेरिफिकेशन एक्टिवेट करना है, यानी कोई यूज़र लॉगिन होता है तो किस तरह एक्टिवेट उसने अपने आप को करने के लिए पहले लॉगिन फॉर्म पर जाके या लॉगिन लिंक जो आएगा उसको क्लिक करके एक्टिवेट करना है, ताकि कोई भी स्पैम या ऐसा यूज़र जो आपकी वेबसाइट के ऊपर अनअथॉराइज यूज़र ना आ सके। तो आपने क्या करना है, इसके लिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का कस्टमाइजेशन पेज ओपन कर लेना है। मेरी वेबसाइट www.kaiyase.com है, उसके ऊपर भी आपको ये वीडियो मिल सकती है और मैं उसी के ऊपर आपको ये तरीका सिखाऊंगा किस तरह लगाना है TML, जिसको थीम माई लॉगिन पेज भी कहते हैं। आपने वेबसाइट जिस तरह मैंने अपनी ओपन की है, आपने उसी तरह अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, उसका एडमिन पैनल ओपन कर लेना है। अभी मैं इधर से ही मैंने थीम में लॉगिन किया हुआ है, इसलिए इधर से लॉगिन हो जाऊंगा। लेकिन आपने अपनी वेबसाइट www.yourwebsite.com अब लिख एडमिन जा क्लिक कर लेना तो ओपन हो जाएगा। अभी मैं इधर से लॉगिन कर रहा हूँ, जैसा कि ये लॉगिन पेज आ गया, ये सिर्फ उस टाइम आएगा जब आपने TML इंस्टॉल किया होगा। वैसे तो आपको बहुत से प्लगइन मिल जाएंगे, लेकिन TML बहुत इजी मेथड है और सिक्योर मेथड भी है। अब मैंने पासवर्ड लिखा है, मैं लॉगिन हो जाऊंगा। आपने याद रखना है, ये फॉर्म इंस्टॉल करने से पहले एडमिन के थ्रू लॉगिन होगा। ये फॉर्म ओपन हो जाएगा वर्डप्रेस का आपका कस्टमाइजेशन का, आप इधर देख सकते हैं प्लगइन लिखा हुआ है, प्लगइन पे इंस्टॉल प्लगइन तो क्लिक कर लेना। ये वो सारे प्लगइन आ गए हैं जो इंस्टॉल हैं। अभी इसमें मैं TML लिखूंगा, TML लिख के सर्च करेंगे, लेकिन इधर TML पे शो नहीं होगा क्योंकि आपने ऐड नहीं पे करना है। आप देख सकते हैं इसी फॉर्म के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है ऐड नहीं। TML लॉगिन लिखेंगे तो भी मेरा पहले से प्लगइन इंस्टॉल है, इसलिए आ जाएगा, लेकिन आप ऐड नहीं पे क्लिक करना। ऐड नहीं पे क्लिक कर लेना, लॉगिन करके दिखा देते हैं। एड न्यू आ गया, इसमें आपने भी राइट साइड पे जो कीवर्ड के साथ सर्च वाला फॉर्म बना है उसमें जाके TML लिख लिया। TML लिख के सर्च करेंगे तो ये आप देख सकते हैं चौथे नंबर पे TML लिखा हुआ है, माई लॉगिन और TML भी आईकॉन में लिखा हुआ है। पहले से इंस्टॉल है इसलिए इधर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अपडेट आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ ये वाला फॉर्म आप इंस्टॉल करना है, ये जो अपडेट लिखा हुआ है इधर आपके पास इंस्टॉल आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है आपने। इंस्टॉल क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इधर है सेटिंग के नीचे TML के नाम से ऑप्शन आ जाएगी। इधर आप प्लगइन में भी देख सकते हैं कि आपके इंस्टॉल प्लगइन में भी आ जाएगा TML, देख सकते हैं कि इधर आ रहा है माई लॉगिन के ऊपर। फिर आपने इधर देख लेना, देखो आप नीचे देख सकते हैं सेटिंग के नीचे TML लिखा हुआ है, फिर आपने जनरल पे क्लिक कर लेंगे। ईमेल और मॉडरेशन भी शो हो रहा है, लेकिन ये तब जो होगा जब आप इसको जनरल की सेटिंग कर लेंगे। जनरल में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने स्टाइल शीट को इनेबल कर लेना, इसके बाद नीचे लॉग इन टाइप है, इसमें यूजर नेम और ईमेल पे क्लिक कर लेना है। आप यूजर नेम भी कर सकते हैं जिससे फिर आपका यूजर से यूजर नेम से लॉग इन हो सकता है। ईमेल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ईमेल से लॉग इन हो सकता है, लेकिन मैंने दोनों सेलेक्ट किए। इसके बाद आपने नीचे ऑप्शन में आने ना मॉड्यूल पे आपने
देख सकते हैं कि मैंने दो ऑप्शन करंट वाली सिलेक्ट की हुई है, कस्टम ईमेल और कस्टम पासवर्ड। कस्टम ईमेल करेंगे तो मतलब ईमेल वेरिफिकेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर लग जाएगी, और कस्टम पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड की ऑप्शन भी यूजर के लिए आ जाएगी, जब वो अपना पासवर्ड भी देख सकता है। फिर आप लास्ट पे देख सकते हैं कि मैंने इनेबल यूजर मोडरेशन भी किया हुआ है। दोनों का आपने पहले फंड वाले को इनेबल कर लें, बहुत सिंपल मेथड है आपके लिए, आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये वीडियो एडिटिंग बनाने का मकसद ही ये है कि आप इसको आसानी से समझ सकें और अपनी वेबसाइट को यूज करें। लास्ट वाली ऑप्शन इनेबल यूजर मॉडरेशन पे भी क्लिक कर लेंगे और सेव कर लें, सेव का बटन जरूर प्रेस करना है कि आपकी सेव। सेव पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी टी एम एल में जनरल के साथ ई मेल और मॉडरेशन फॉर्म दोनों बन जाएंगे। इसके ऊपर आप जनरल पे कर ली सेटिंग, अभी ई मेल पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करेंगे थोड़ा स्लो आ रहा है इस वजह से ओपन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ये मेरी वीडियो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल सकती है कैरियर से डालता हूँ, कैरियर से आप खुद डिसाइन कर सकते हैं। ये फॉर्म ओपन हो गया है, जब आप न्यू यूजर के लिए सबसे ऊपर लिखा हुआ न्यू यूजर, न्यू यूजर के लिए फॉर्म नेम लाजमी लिखना है, फॉर्म नेम आप वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम खुद का भी लिख सकते हैं। फॉर्म ई मेल ये आपने, उसके बाद फॉर्म ई मेल है ये आपने ब्लैंक कर देंगे। मैंने तो लिखा हुआ है एडमिन @ का ये से डालता हूँ, लेकिन आपने उसको ब्लैंक कर देंगे, खाली कर देंगे। ये ईमेल फॉर्मेट प्लेन टेक्स्ट भी रखना है, सब्जेक्ट आप नॉर्मल से लिख सकते हैं, लेकिन यूनिक लिखना है, ये ना हो कि गूगल आपको स्पैम या फिर कोई अनअथॉराइज्ड यूजर समझ के ब्लॉक कर दे। मैंने सिंपल लिखा हुआ है वेलकम टू प्राइवेसी, मुझे मैसेज में आप कुछ लिखना चाहें तो लिख दें, खाली भी छोड़ दें तो कोई बात नहीं। नीचे आ जाएं, यूजर एडमिन को भी खाली छोड़ दें, ये पासवर्ड ऑप्शन है इसके लिए आप खाली छोड़ दें। ईमेल जिधर मैंने लिखा फ्रॉम ईमेल या आपने ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो मैंने अपनी मर्जी से यूज की है। आप ब्लैंक भी छोड़ देंगे तो भी वेबसाइट की आपकी वेबसाइट की ईमेल खुद ब खुद डिफॉल्ट वाली होगी, वो चली जाएगी। ये रीसेट वगैरह फॉर्म है, इसको आप नीचे कुछ भी नहीं करना, ब्लैंक ही छोड़ देना जिस तरह आपका होगा। मैंने तो फिल किया, लेकिन आपने ब्लैंक छोड़ देना है यूजर एक्टिवेशन। इस पर भी आपने फॉर्म नेम लिखने में फॉर्म ई मेल खाली छोड़ देना है, आप फिर से बता दें कि फॉर्म ई मेल आपने नहीं लिखा, ये मैंने फिर से लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको खाली छोड़ देना, मैसेज खाली छोड़ देना। यूज़र अप्रूवल भी आपकी मर्जी, अगर आपने यूज़र अप्रूवल करना है तो इधर वही चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, ये ई मेल छोड़ दें खाली फॉर्म लिख दें, इस बार नीचे वाला फॉर्म छोड़ दें, यूज़र और भी फॉर्म आपने फिल नहीं करना है, सेव पे क्लिक कर दें। फिर आपने ऑपरेशन पे आ जाएंगे, सेव करने के बाद सेव करना है दे दें, ऑपरेशन पे क्लिक कर लें। इधर आपने ऑपरेशन फॉर्म ओपन हो गया है, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नाम पे सेलेक्ट होता है, लेकिन आपने क्या करना है, सेकंड नंबर ई मेल
कंफर्मेशन लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लें। तीसरे नंबर पे एडमिन अप्रूवल है, जैसा किसी बताया था कि एडमिन अप्रूवल में एडमिन अप्रूवल अगर भी करना चाहे तो एडमिन अप्रूवल कर सकता है, लेकिन मैंने अगर ईमेल कंफर्मेशन करके सेव कर दिया क्योंकि वो तरीका आज का मेरा ईमेल वेरिफिकेशन का था, इसलिए ईमेल के बारे में इसके तरह कंसिडरेट करता हूँ। हम सेव करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फॉर्म शो हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह मेरी वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हैं। ये देखिए रजिस्टर लॉग इन फॉर्म और है, ये भी इसी तरह ही आ जाएगा। सेटिंग चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा से वेबसाइट के एडमिन पेज कस्टमाइजेशन पेज में चले जाना। जब आपने ये टी एम एल की सेटिंग मुकम्मल कर ली तो आपने अपीयरेंस में जाना है, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू दोनों सेलेक्ट कर लें। नेट थोड़ा स्लो हो जा रहा है इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ नेट की क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैन्यूज में आप जैसा कि मतलब वेबसाइटों पर देखा होता है कि लोगों ने लास्ट पे भी लॉगिन फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म लगाया होता है, फ्रंट पे भी लगाया होता है, साइड में लगा होता है, तो आप भी मैन्यूज के थ्रू से सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट का यही फायदा है कि आप इसको पूछ के अपनी मर्जी से अपनी शेयर में बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं दूसरे वाई फाई पर क्लिक करता हूँ सारे दोबारा ओपन कर लें। ये मैंने बटन क्लिक किया था हमने वो मैंने इसलिए ओपन हो गया। सबसे पहले आपने लिखा हुआ है जो सिलेक्ट है मैंने टू एडिट, इसमें जाने के बाद मेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेन मैंने भी सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट के बटन पर क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे ओपन आ रहे हैं बॉक्सेस, ये वो वाले मैंने शो करवाए, ये शो किस तरह होंगे या आपकी ये लेफ्ट साइड पे जो ओपन व्यू होंगे जिसको आप क्लिक करोगे वो इधर और ऐड पे क्लिक करोगे उधर शो हो जाएंगे। मैंने इधर लेफ्ट साइड पे लॉग इन लॉग आउट और रजिस्टर को सेलेक्ट करके ऐड किया गया। आप भी अपनी मर्जी कर सकते हैं, ये लॉस है रीसेट है, अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तीन मैंने सिर्फ किए नहीं, करने के बाद आपने सेव कर देना जो भी आप मैनू शो करवाना चाह रहे हैं। तरतीब या अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, उसको पकड़ के रिटर्न के लिए कर सकती हूँ, काम होंगे आप सारा मैंने तो ये ऐड किया है, मर्जी से बाकी भी ऐड कर और ऐड पर क्लिक करके तो इधर शो हो जाएंगे और आप सेव हो जाएंगे। सेव करने के बाद आप सेव करोगे तो मेरे फ्रंट पे इधर शो हो जाएंगे, जिस तरह मेरी वेबसाइट के फ्रंट पे देख सकते हैं अभी लॉग आउट आ रहा है इसलिए मैं अभी लॉग इन। फिर आप फोटो मैन्यू में जाना, फोटो मैन्यू आपकी मर्जी है कि फोटो में भी आप इसको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो भी सेम यही तरीका है। फोटो पे मैंने ये सिर्फ तीन फॉर्म लगाए हैं, आप अपनी मर्जी से किसी को भी कोई भी लगा सकते हैं। फोटो मैन्यू पे क्लिक करके उसको सेव कर दें, सेव करोगे तो आप देख सकते हैं फोटो में भी शो हो जाएगा। फोटो पे भी दिखा देता हूँ कि आप किस तरह आ रहा होगा, ये कभी
साइन अप पेज मैंने ओपन किया हुआ है। अभी मैं आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ, कोई भी नाम लिखना। वैसे लिख लेते हैं, कोई भी नाम लिखना, रजा लिखना, ईमेल कोई भी डाल। आई थिंक ये मेरी पहले से रजिस्टर है तो इधर ओपन आ जाएगा पहले से, लेकिन आप जो भी आपका यूज़र होगा मेरे से वो आपको साइन अप कर सकता है, आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो इधर ये बता देगा कि जी आपके ई मेल आपके अकाउंट में भेज दी गई है, इधर से लिंक पे वेरिफिकेशन करें। अभी मेरे इधर आ रहा है कि आ रहा है रजिस्टर रजिस्टर्ड है, इसलिए ये ई मेल नहीं भेज रहा। तो जैसे ही न्यू यूज़र होगा तो उसके अकाउंट में उसकी जो ई मेल उसने लिखी होगी उसके उधर लिंक पहुँच जाएगा एक्टिवेशन का, उससे वो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं अपने लॉगिन पे। बस ये सिंपल सा मेथड था। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसके बाद मेरे से चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैं अभी वीडियो नहीं बनाना शुरू की तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बोलने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर आज का इसमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी वीडियो जो आप चाह रहे हैं कि अभी इससे नहीं है और आप सीखना चाह रहे हैं कोई भी काम, तो मुझे बता सकते हैं वीडियो से। आपको कोई कोशिश करेंगे तो ईजी मैथड से आपको सिखा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इधर भी आगे आप पी एम एल लिख के सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो इसके लिए मौजूद है मेरी वेबसाइट www.tryfh.com। जूम करके भी आपको वेबसाइट बता देंगे, बता देते हैं ताकि आपको वेबसाइट सर्च करने में भी आसानी हो। ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी मैंने लगाया हुआ है वेबसाइट के ऊपर, आप इसके थ्रू से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जैसे उसमें क्लिक करके क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और एड्रेस भी दिया गया है, इसके अलावा मैसेज लिखने में फ़ोन नंबर लिखने में जो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दें। मैं जो सकता दिया गया मेरी और लेटेस्ट वीडियोज के ऊपर आप जो होती रहती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जरूर दोस्तों को शेयर करना, और मुझे अगर कोई कम्युनिकेशन नज़र आती है कि आप फीडबैक देना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर देंगे, ताकि मैं मुझे समझे और भी अपने चैनल को बेहतर बना सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी।